हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि सारी वीडियो होती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोटीन। कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले बात करते हैं प्रोटीन की। याद रखना, मैं प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन की, कि प्रोटीन क्या होता है। तो गाइस प्रोटीन जो है वो आपको एक न्यूट्रिएंट है, जैसे आपके कार्ब्स और फैट होते हैं, वो एक सेम आपका न्यूट्रिएंट है, जो कि बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। वो आपकी हेल्प करता है आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक को डेवलप करने में, यानी आपके ओवरऑल बॉडी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक, तो प्रोटीन आपका बेसिकली सब फूड्स में होता है, जो भी चीज़ आप डेली खाते हैं उन सब चीज़ों में, आपके हर एक मील्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में थोड़ा सा होता है, किसी में ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसी में कार्ब्स कम होते हैं, किसी में फैट ज़्यादा होता है, किसी में फैट कम होता है, कार्ब्स ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही थोड़ा अनबैलेंस रहता है। तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन आपके फूड में प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट की, जो कि बहुत पॉपुलर टॉपिक है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार, बहुत लोग प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं बोलते हैं कि पाउडर बोलते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट को। ठीक, बोलते हैं कि यार पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो जिम जाता है उसको लेना चाहिए या जो जिम नहीं जाता उसको नहीं लेना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब जो आपका एक प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो क्या होता है। तो गाइस जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो मैक्सिमम जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो आपके पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जो आपका जैसे पाउडर होता है ना उस फॉर्म में होते हैं, या किसी पैक में होंगे, किसी डब्बे में होते हैं, पाउडर के फॉर्म में। तो गाइस वो बनता किस चीज़ से, बात करते हैं, जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो आपका बनता है दूध से, यानी मिल्क, जो कि आपका होता है प्योर वेजिटेरियन, क्योंकि दूध तो वेजिटेरियन होता है। बहुत सारा दूध जो होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। उस दूध में से जो आपका दूध होता है नॉर्मल, उसमें आपके फैट और कार्ब्स होते हैं, तो जब वो मशीनों में डालते हैं उसको फिल्टर करते हैं, तो उसको जो कार्ब्स और फैट है वो निकल जाते हैं, तो उसमें बचता क्या है, प्रोटीन खाली। तो जो प्रोटीन बचता है उससे आपका बनता है प्रोटीन सप्लीमेंट, यानी प्रोटीन पाउडर। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन सप्लीमेंट वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि वो होता है आपका बनता है दूध से। ठीक, अब बात करते हैं कि यार प्रोटीन सप्लीमेंट किसको लेना चाहिए। ठीक है, तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ जो जिम जाते हैं उनको लेना चाहिए, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बनती है, जो जिम नहीं जाता है, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता उसको नहीं लेना चाहिए। तो गाइस चलो ठीक है, बात करते हैं, पहले बात करते हैं जिम के लॉन्डो की, जिम वाले बंदों की, कि जो जिम जाते हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्योंकि यार देखो प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है वो उतना ज़रूरी भी नहीं होता लेना। सपोज़ जैसे अगर आप जिम जाते हो तो आपकी जो डेली कैलरीज होती है ना, मेंटेनेंस कैलरीज, उसमें से कार्ब्स अलग होते हैं, फैट अलग होते हैं, तो आपके थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो कि आपकी हेल्प करता है ओवरऑल अच्छी बॉडी डेवलप करने में। तो अगर आप सारे अपने जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आप डाइट से ले पा रहे हो, डाइट से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दे रहे हो तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या करोगे एक्स्ट्रा प्रोटीन लेके, राइट? क्योंकि यार कॉस्टली होता है, ऑब्वियसली बात है प्रोटीन, क्योंकि आपने उसमें आपका खाली प्रोटीन होता है तो टाइम लग मशीन मेहनत लगती है बनने में उसको, तो इसलिए उसकी जो कॉस्ट होती है थोड़ी ज़्यादा होती है प्रोटीन की, सप्लीमेंट की। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो और अगर आपका आप अपनी जो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप फूड से ले रहे हो आराम से, सपोज़ जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, सपोज़ मेरा वेट है 60 kg, तो मेरे को डेली का प्रोटीन कितना चाहिए होगा, यानी 60 का अगर इंटू करें तो 120 kg, तो मेरे को 60 का जो डबल है अपने वेट से डबल ग्राम प्रोटीन, 120 ग्राम प्रोटीन मेरे को डेली अपनी डाइट में चाहिए। अब अगर मैं 120 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट से ले रहा हूँ, मैं इतने अंडे खा पा रहा हूँ कि जिससे मेरे को 120 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, तो फिर तो ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यार जो भाई हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम एक्सरसाइज भी करें, डाइट भी खाएं, डाइट भी बनाएं और उसको खाएं, दिन भर खाना एक्सरसाइज करना सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज भी करें, डाइट खुद ही बनाएं, खुद ही खाएं, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है इस चीज़, ठीक है। तो उस टाइम जो लोग होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करते हैं, जो कि उनकी हेल्प करता है उनके मेंटेनेंस कैलोरीज है उसको हिट करने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतना सब डाइट में नहीं ले पाओगे तो आपको ऑब्वियसली बात है एक प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, जो कि अच्छा है, जो कि सही बात है, ठीक है। तो यार ये तो गई वो बात, जो बंदे जिम जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं चाहिए उनकी मर्ज़ी है, और अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपके डेली आप इतना खाना खा पा रहे हो कि आपके जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो
आप कंप्लीट कर दे रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना सारा खाना बनाओ, इतने सारे अंडे खाओ, इतने सारे जो नॉन वेज वगैरह चिकन वगैरह खाओ, इतने सारे पनीर खाओ, तो आप ऑब्वियसली बात है ज़रूर अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करें, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके जो एक्सरसाइज के बाद जो आपकी मसल ब्रेक होती है उसको रिकवर करने में, मसल अच्छे से डेवलप करने में। ठीक है, तो ये तो कई लोगों की बात जो जिम जाते हैं। अब बात करते हैं क्या उन लोगों की जो जिम नहीं जाते हैं, जो नॉर्मल अपना डेली नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए? सो गाइस, हाँ, अगर इंडिया में हो तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। सपोज मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है, क्योंकि यार देखो इंडिया में जो इंडियन बोलते हैं कि जो इंडिया की जो वो मैक्सिमम जो डाइट होती है ना, उस डाइट में हमारा क्या होता है, ऑयली फूड ज़्यादा होता है, रोटी चावल दाल ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो इन रोटी चावल दाल में ना जो प्रोटीन होता है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, और ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, फैट और कार्ब्स। और फैट और कार्ब्स अगर आप ज़्यादा लोगे तो उससे आपका क्या बनता है, फैट। इसीलिए जो इंडिया में है वो ओबेसिटी, इंडिया की जो ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा है और कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो डाइट है वो थोड़ी वैसी डाइट है कैसी, जिसमें कार्ब्स और फैट ज़्यादा होता है। तो गाइस अगर आप अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जिम नहीं भी जाते हो फिर भी आप ऐड कर रहे हो तो बहुत सही बात है, क्योंकि यार आप उतना प्रोटीन अपनी डाइट से नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपके डाइट में ज़्यादा आपके पास आपके बॉडी में क्या जाता है, कार्ब्स और फैट, तो आप प्रोटीन कहाँ से लोगे? तो इसलिए अगर आप हो सकता है तो आप एक अच्छा सा प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसका एक स्कूप जो प्रोटीन का जो एक चम्मच बोलते हैं स्कूप बोलते हैं, आप एक स्कूप लोगे तो आपको आराम से 20-30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। तो आपका 20-30 ग्राम प्रोटीन आपके डेली डाइट में पूरा हो जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को फिट रखने में, ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, जो आपकी जो प्रोटीन कार्ब्स और फैट है उसका जो रेशियो का मेंटेन रहेगा, तो एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल आपको जीने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है, जो आपके मिथ होते हैं वो आपके हट गए होंगे, जो कि मिथ थे आपके माइंड में, और किसको लेना चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट, किसको नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा कॉस्टली होता है, बट अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर डाइट में ऐड करें, चाहे वो जिम जाते हो ना जाते हो। अगर आप एक स्कूप भी अगर दिन का लोगे तो सेफ होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, उल्टा उसके फ़ायदे भी होते हैं, आपके बॉडी में अच्छे रिजल्ट दिखेंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे व्लॉग्स और फिटनेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय।